नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी ही जानता है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे। दरअसल गधों को देखने के बाद हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये किसी काम के जानवर नहीं है। हालांकि गधों का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए भी किया जाता है, लेकिन जानवरों में गधा एक ऐसा जानवर है जिसे लेकर कई तरह की कहावत और फप्तियां कसी जाती हैं और किसी इंसान के मंद बुद्धि होने पर गधों की मिसाल दी जाती है। कोई लड़का पढ़ाई में कमजोर हो तो उसे गधा कहकर संबोधित किया जाता है, मतलब गधे को हम बड़े ही हिकारत भरी नजरों से देखते हैं और किसी भी काम का नहीं मानते हैं। लेकिन इन सभी धारणाओं को कर्नाटक के एक शख्स ने गलत साबित कर दिया है और ये शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि आईटी सेक्टर का एम्प्लॉय भी रह चुका है और इन्होंने आईटी की जॉब छोड़ दी है और गधों का फॉर्म शुरू कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूज एजेंसी एनआई इस बारे में कुछ तस्वीरें जारी की हैं और इनसे बात भी की है। इनका नाम श्रीनिवास गौड़ है। कर्नाटक के रहने वाले श्रीनिवास ने राज्य का पहला डंकी फार्म खोला है। सबसे पहले तो इसके लिए उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब इससे वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। यह तब हुआ जब श्रीनिवास गौड़ ने गधों के लिए एक सेंटर बना दिया और उन्होंने गधों को संरक्षण दिया। श्रीनिवास गौड़ का कहना है कि इस समय हमारे पास 20 गधे हैं और मैंने लगभग 42 लाख रुपए का निवेश किया है। हम गधी के दूध को बेचने की योजना बना रहे हैं जिसके बहुत सारे फायदे हैं। हमारा सपना है कि गधी का दूध सभी को मिले, क्योंकि गधी का दूध औषधि का भी काम करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि श्रीनिवास गौड़ गधी का दूध सुपरमार्केट, मॉल और दुकानों में भी सप्लाई करते हैं। उनका कहना है कि जल्द ही वे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को भी दूध सप्लाई करेंगे और उन्हें 17 लाख रुपए का ऑर्डर भी मिल चुका है। हैरत की बात यह है कि गधे का यूरिन भी 500 से 600 रुपए लीटर बिकता है और गधे का गोबर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल श्रीनिवास गौड़ अपने गधों की सेवा करने के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंगलुरु के पास ही उन्होंने यह फॉर्म भी खोला है। श्रीनिवास गौड़ ने कई तरह के काम काज में किस्मत आजमाई थी। वे एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी काम करते थे, लेकिन वे अब अपने इस काम के लिए चर्चित हैं। तो इस तरह से जिस जानवर को हम किसी काम का नहीं मानते, उसी जानवर को श्रीनिवास गौड़ ने सोने का अंडा देने वाले जानवर जैसा बना दिया है, जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। आप श्रीनिवास गौड़ के इस डंकी फॉर्म को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। India's second and Karnataka's first donkey farming and training center in Mangalore, Era village. How many donkeys are what was the investment? So presently we have 20 donkeys, so totally overall investment almost 42 lakhs invested as of now. We planning initial stage to sell off milk. Donkey's milk, because donkey's milk which will give more immunity booster of human body and it's diseases control. Basically donkey milk is diseases control, so that is the reason we launching donkey milk first. And second phase we are planning to introduce of donkey urine, because multiple advantages are there. One by one we drastically we plan to start up.